अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं बाउलिंग में और मेरे साथ हैं मोहन भाई। पहले हमारा हुआ स्नो का मुकाबला जो आपने देखा है, फिर उसके बाद अभी हम लोग बॉलिंग पे आए हैं और अभी बॉलिंग का मुकाबला होगा। मैं चाहता था इसमें भी गोलू भाई को बुरी तरीके से हरा दूँ, तो इसलिए स्पेशल मैं गोलू भाई को लेकर आया हूँ। ये देखिए बॉलिंग, जापान में गोलू भाई बॉलिंग के रेट क्या होते हैं वो आप बताएं। तो ये ज़रूरी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन जो सी है होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ की भी प्राइस आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कितनी प्राइस है जापान में। यहाँ पे भी है 1000 yen है एक गेम का। नहीं नहीं, यहाँ पे तीन गेम का है 2000 yen। अच्छा। और शूज़ अलग है, ये शूज़ छोड़ से यहाँ से हमने लिए। तो ये बॉलिंग वालों के शूज़ हैं जो 300 yen के हमने लिए हैं, तो 2300 yen तकरीबन पर हेड में हम लोग तीन गेम खेलेंगे। तो ये है यहाँ का रेट। आप लोग गेस करो कौन जीतेगा। मैं जीतूंगा तो मैं ही, गेस करने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं बॉलिंग मुकाबला। बॉल सेलेक्ट करना ना सबसे मुश्किल होता है। आपने कौन से नंबर की बॉल सेलेक्ट करनी है, कितना उसका वेट होना चाहिए। तो यहाँ में मुख्तलिफ वेट की बॉल पड़ी हुई है, तो वो हमने लेकर आनी है। लेकर आनी है, लेकर आनी है। मैंने सेलेक्ट की है ये वाली बॉल जो कि है 15 pound की। तो आमतौर पे जैपनीज के जो से हाथ उंगलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो बॉल छोटी छोटी उंगलियों वाली होती है, उसमें मुझे एक बड़ी उंगलियों वाली बॉल मिल गई है, तो मैंने ये वाली बॉल सेलेक्ट की है, तो इससे मैं खेलूँगा। क्या आपकी है? ये तो लड़कियों वाली बॉल है। कैसे? अच्छा, कौन सी उंगलियों में आपने डालना है? ये यू यू नहीं, इसमें डालना है मुझे। यू ना करें। हाँ, मैं तो यू ये स्पाइडरमैन स्टाइल में डालते हैं। करूँ स्टार्ट? हाँ स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं मुकाबला। तो ये है पहली बॉल, स्टार्ट है या। तो ये है गोलू भाई की पहली बॉल जो कि सीधी गई गटर में। शुरू से नहीं, सीधी गटर। दोबारा चला सकता ना मैं? एक और है मेरा। पहली गई गटर में। एक और है। गोलू भाई ने बिल्कुल लड़कियों वाली बॉल सेलेक्ट की है, अभी तो पता नहीं चल रहा मेरी कौन सी बॉल है। ओए 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 ओए, किस टाइम चेक करें आप। एक और है ना मेरा? नहीं, दो बारी। बॉलिंग सिखाता हूँ आपको फिर मैं ना। मैं दौड़ने लगा था, अपने हाथ से स्लिप हुई है। एक रहेगी, एक पॉइंट का फर्क है। चलो बैलेंस कर ले। नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ ना। मेरी बारी है, है आपकी बारी दोबारा। या बोल भाई, दिखाएं गटर में कैसे फेंकते हैं। नेवर। गोलू भाई बिल्कुल क्रिकेट की बॉलिंग की तरह बॉल करा रहे हैं। अब देखो पूरा पंडाल साफ कर दूंगा मैं। साथ वालों पे ना फेंक देना। ये आई क्रिकेट की बॉल और ये गोलू भाई ने बॉल फेंकी। ओए होए 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 होए, वेल डन। देखा भाई, देखा। अभी तो मैं आ रहा हूँ, थोड़ा गर्म हो रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ फिर। लग रहा था जा रही है स्ट्राइक, लेकिन गई नहीं। अभी फिलहाल आपके हैं, अभी स्टार्ट है। एक ही में अगर सारे डाल दूँ तो क्या कहते हैं? स्ट्राइक। हाँ, वॉच इट बेबी। Yeah.
लाइट बच गई है। बच गई क्या? अच्छा बोलो भाई, एक एक को आप गिरा देना, आपके सारे गुनाह माफ। कौन से बात है? ओए 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 वेरी क्लोज। चलो फिर किसी के उमर भाई से तो आगे ही चल रहा हूँ। यहाँ मैं दिखाता हूँ, चल दिखाएं। प्रैक्टिस बहुत हो गई है। अच्छा अब सही गेम स्टार्ट होगी। अच्छा वो दो दरमियान वाली चिपकाई हुई है। अच्छा, वो मेरी बॉडी में चिपकाई होती है। अच्छा, इसलिए नहीं गिर रही। सही सही जी भाई है। चिपकाई हुई थी नहीं, चिपकाई तो बॉल टेढ़ा क्यों किया? बॉल जो है ना वो दरमियान में मैग्नेट लगा था। यही मैं कहने वाला था, मैग्नेट लगा है कुछ ना, अजीब सा हो रहा है मेरी बारी में, कुछ अजीब सा हो रहा है। सही, तो भी स्कोर है 25 और 36। तो वीडियो को एक बार रोकते हैं, अब आप एंड पे दिखाएंगे। आपको उम्मीद है कि अभी भी आप जीतोगे? नहीं, नहीं, पहली गेम तो है प्रैक्टिस की ना। प्रैक्टिस गेम। अच्छा। तीसरी गेम जो लास्ट होगी। अच्छा वो मेन गेम होगी। अच्छा। तो ये है पहली गेम, अभी वीडियो रोकते हैं, फिर लास्ट में स्कोर आपको दिखा दूँ। ये देखो भाई, ये है रियलिटी। जब तक वीडियो ऑन थी मैंने ना गोलू भाई को जिता रहा था, ताकि गोलू भाई की ना इज्जत रह जाए वहाँ में। वीडियो ऑन ही रखो। उसके बाद देखिए ये स्ट्राइक पे स्ट्राइक, यहाँ तक मैं वीडियो बनाई थी तीसरी तक, और अब स्ट्राइक पे स्ट्राइक है मेरी तरफ से, और गोलू भाई की समझ नहीं आ रही। गोलू भाई गटर पे गटर पे की जा रही। और आवाम को मैं हकीकत बता दी है, अब मैं लिहाज नहीं करना आपका। तो मतलब ये थी पहली गेम जिसमें 92 मेरा है और गोलू भाई का 84 है। दोनों का बहुत ही गंदा स्कोर है, लेकिन जीत मेरी हुई है पहली गेम में। अब तीसरी गेम जो कि सही वो मुकाबला होगा, अभी तक प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन गोलू भाई की हालत लगती नहीं है तीसरी गेम तक पहुँच सकेगी। स्कोर चलूँगा मैं थोड़ा, मतलब मैंने स्टार्ट बहुत मज़े का लिया। आप ना जब बॉल कराते हैं ना, आप क्रिकेट वाली रनिंग स्टार्ट लेते हो, नागर रनिंग, इतनी दूर से आप भागते जाते हो, वहाँ तक जाते थक जाते हैं। आप पास से स्टार्ट लेना, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताया शुरू में ताकि आप थक जाएं थोड़ा। तो नेक्स्ट गेम इधर जाते हैं, सेकंड गेम बोलो भाई स्टार्ट करें। तो ये है सेकंड गेम की पहली बॉल जो गोलू भाई, फिर यहाँ से स्टार्ट ले रहे, थोड़ा और आगे से जाके स्टार्ट ले रहे। वेल्डन 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 वेल्डन, ओए वो गिर गई। अच्छा एक रहेगी, एक रहेगी। ओ नाइस शॉट। ओए 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 ओए, काम से बच गया वो। तो सेकंड गेम की पहली शॉट गोलू भाई के 9 पॉइंट हो गए, 9 की रही गोलू भाई। उमर भाई ने भी 9 गिराए हैं। नहीं ये मेरी आखिरी गिर जाएगी। तो गिरे 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 स्पिन शॉट चेक करें। अच्छा स्पिन शॉट, इसका मतलब ये नहीं गिरेगा ये मानते हैं, ये माने माने सही माने। चलो एक पॉइंट का फर्क है तो मैं भी घुमा। नहीं एक पॉइंट का फर्क नहीं है, स्पेयर किया ना मैंने, स्पेयर की वजह से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। ऐसा क्या? स्पेयर करने की वजह से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। अच्छा और स्ट्राइक से और ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सेकंड गेम का भी रिजल्ट मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। ये दूसरी गेम चल रही है, पता नहीं अजीब कुछ हो रहा है। नहीं जीत रहा हूँ मैं। स्ट्राइक स्पेयर मुसलसल चल रही है। तो
अच्छी गेम जा रही है, देखते हैं गोलू भाई कार्ड गिराने में कामयाब होते हैं कि नहीं। थोड़ी सी रहेगी, लेकिन पॉइंट्स मेरे ज्यादा हैं। वो देखें जी आप, उमर भाई को पता नहीं कहाँ पीछे छोड़ दिया है मैंने। ओ यार उमर भाई भाल नहीं है आप में, मजा नहीं रहा आपको। अरे अभी पहुंचेंगे। अच्छा क्लोज है, वेरी क्लोज क्लोज है। वैसे सच बात यह है कि उमर भाई इज अ गुड प्लेयर, मेरे तो तुक्के लग जाते हैं। कोई नहीं जीतेंगे। वैसे भी दूसरी गेम तो ट्राई है ना, आखिरी गेम असली मैच है। बोलू भाई की दूसरी गेम का स्कोर है 131 ना, और मेरा भी 118 है। मुकाबला सख्त है लास्ट में, लेकिन तीन बारियां होती है, अगर तीन स्ट्राइक मारे तो तीन बारियां होती है। सही देखते हैं। अभी सिर्फ आपको मिलेंगी तीन बारियां है, नहीं अब तो एक तो मार दिया ना स्ट्राइक, अब एक दो बारी तो लाजमी मिलेंगी। अच्छा अभी उमर भाई मेरा अभी वो कह रहा है मेरा नहीं है, आपका खत्म हो गया यार। ये तो मुझे दो तो नहीं लास्ट में नहीं होता। थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा। अच्छा। मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। यार ये तो जीतेंगे। बहुत है मेरे कितने हैं? बहुत है। पूरी गेम में जीता हुआ था, ये क्या हो गया भाई? दूसरी गेम भी मैच जीत गया हूँ एंड पे। गोलू भाई ने शुरू अच्छी की थी, लेकिन लास्ट में मैंने जो से स्ट्राइक मार के ना मैंने गेम जीत ली है। तो अब लास्ट गेम है जो फाइनल गेम है वो देखते हैं। ये तीसरी गेम शुरू होते साथ ही गोलू भाई अपने रूटीन पे वापस आ गए, और ये स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं। हार रहे हैं, दरमियान में कुछ खुशी के मौके आए थे, लेकिन स्कोर आप देख सकते हैं मेरा 123 और गोलू भाई का 83, और ये लास्ट बॉल है। फीलिंग आती सब जाएंगे। हाँ फीलिंग ऐसी आती है बिल्कुल। तो आज की लास्ट बॉल है, इसको तो गिराना नामुमकिन है, और ये गोलू भाई की गेम ओवर। स्कोर 92। इसी पॉइंट में मैं जीत चुका हूँ। अब फाइनल, वैसी खुशी में जीत तो मैं चुका हूँ, खुशी में मुफ्त में आप स्ट्राइक एंजॉय करें। जाती दरमियान में है। अच्छा लगती नहीं। और ये लास्ट बॉल, गिरने लगा था, गिरने लगा था, मैं नामुमकिन छोड़ती है।
जिसको मुमकिन बनाने वाला। तो ये होगी गेम ओवर। और गोलू भाई का आप हाल देख सकते हैं, ये हाल इसलिए क्योंकि बहुत बुरी तरह हारे हैं। नहीं कह रहे, इतना बुरा नहीं था कि लोग में था है, इनिशियल स्टेज पे तो मैं बहुत आगे था। नहीं आगे कोई नहीं थे। हाल आपका सामने है, तीन गेम ख़त्म हो चुकी हैं। तीन गेम का टोटल है 362 मेरा और 307 गोलू भाई का। तो ये था बॉलिंग का मुकाबला। गोलू भाई थके भी हुए हैं। अच्छा ये व्यू भी देख ले पहले ये। तो अभी हम नंदागोया स्टेशन के करीब ही हम लोग बॉलिंग खेल रहे थे। तो गोलू भाई कैसा रहा बॉलिंग का मुकाबला? बहुत मजे का रहा, मतलब मैं तो जीत रह गया, ऑलमोस्ट जीता हुआ था मैं। नहीं वो तो नामुमकिन है, मुझसे जीतना तो नामुमकिन है। लेकिन अच्छा मैं स्कोर कार्ड भी देखे, पूरा मैं प्रिंट करवाया स्पेशल, वो दे नहीं रहा था, निकाल नहीं रहा था, लेकिन मैं स्पेशल निकलवाया है प्रूफ के तौर पे। ये सर्टिफिकेट है मेरी जीत का, आपकी जीत का। तो भाई हार मानते हैं, तस्लीम करते हैं। हाँ नहीं बनता है। तो अभी मैं आपको नगोया का देखें व्यू दिखाता हूँ, जो इस सिटी का व्यू है, कितना खूबसूरत है एरिया, इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है। तो सर्दी अच्छी खासी बात। तो आप यहाँ पे इस वक्त हम घूम रहे हैं नगोया में, और यहाँ से नगोया स्टेशन बिल्कुल यहाँ से सीधा सामने नगोया स्टेशन है। और ये नगोया स्टेशन का सेंट्रल एरिया, ये यहाँ की मेन शॉपिंग मॉल, यहाँ पे होटल्स और बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा एरिया है, और दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ नगोया, ये नगोया स्टेशन के करीब। और जो सकाय है, मेरी फेवरेट जगह है नगोया में। उमर भाई आपकी ये अच्छी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है। मतलब यहाँ पे आप आते हो तो लगता है जिंदगी में थोड़ी रौनक सी लगी पड़ी है। हाँ मतलब थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाता है ना माइंड, आपको लगता नहीं कि आप गांव में, आपको लगता है रियल शहर में रहते हो। बिल्कुल। तो आजकल जो है ये क्रिसमस का सीज़न भी है और न्यू ईयर वगैरह भी, इसलिए इन्होंने डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह काफ़ी की हुई है। सही। तो यहाँ पे लाइटिंग भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और वैसे तो आज बर्फ़बारी थी, लेकिन सुबह तक जो चालीस सेंटी जो बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई थी, लेकिन आज जो अभी यहाँ पर देखें थोड़ी सी रह गई बर्फ़, इतनी सी रह गई है। तो बाकी सारा एरिया जो है क्लियर हो गए। तो ये था हमारा बॉलिंग का कंपटीशन मुकाबला, जिसमें आज मैं गोलू भाई को बहुत बुरी तरीके से हराया है। और इसमें गोलू भाई कुछ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो स्कोर कार्ड आ गया ना, वाजिया आ गया, वाजिया नंबर भी आ गया। जब मैं हारता हूँ तो हार मान लेते। नहीं ये वाजिया क्लियर आज तक कभी हारा नहीं था ना मैं। इस तरह होता है हार जीत जिंदगी का, आज हारे कल जीतेंगे। ये व्लॉग आप बार बार जरूर देखेंगे, ये हार का व्लॉग है। तो ये था बॉलिंग का मुकाबला भी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और मुकाबले में गोलू भाई। अल्लाह हाफिज़।